उत्तराखंड स्थित केदारनाथ धाम के कपाट आज यानी मंगलवार सुबह को दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। चार धाम यात्रा 22 अप्रैल से उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। इस यात्रा के पहले चरण में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले गए थे और आज भक्तों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। कपाट सुबह करीब 6:20 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। इस दौरान भक्त पूरे जोश से भरे थे, हर तरफ ढोल ताशों की आवाजें गूंज रही थी। आज परंपरा के अनुसार हमने कपाट 6:20 खोल दिया गया है। सारा यहाँ तो आए हुए लोगों को अभी स्पर्श करके दर्शन तो होगा ही होगा, जो नहीं वो आ सके हैं वो दृश्य ये माध्यम से देख करके आपका जीवन कृतकृत्य हो। मौसम बहुत खराब है लेकिन उत्साह है, वो देखते बनता है। वो भगवान के लिए श्रेय उसी भव विज्ञाने, अच्छे काम में बाधाएं आते रहते हैं, वो स्वीकारते हुए सभी लोगों ने अंतरात्म की आवाज से श्रद्धा भक्ति वजह से सब लोग इकट्ठे होकर के दर्शन ले रहे हैं, उनको भगवान कृपा करे। मंदिर को 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मौसम की बात करें तो यहाँ पिछले 72 घंटों से बर्फबारी हो रही है। खराब मौसम के कारण मंदिर जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया था। इसके बाद भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। फिर से शुरू हुई ताजा बर्फबारी की वजह से 30 अप्रैल तक वहां के रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। हालांकि जो यात्री पहले से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं वो आगे यात्रा पर जा सकते हैं।